टोलीगंज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में MBBS के 2015, 16 और 17 के बैचों के लिए पहला स्नातक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वीपो के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी मुख्य अतिथि थे, जबकि मुख्य सचिव केशव चंद्र सम्माननीय अतिथि थे। समारोह में स्वास्थ्य सचिव स्मिता आर, एनिम्स की निदेशक, एनिम्स के एकेडमिक डीन, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे। इस बीच उपराज्यपाल ने समारोह के शुभारंभ की घोषणा की। इसके बाद एनिम्स के निदेशक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित को स्वास्थ्य सुविधाओं पर जानकारी दी। समारोह में उपराज्यपाल ने अकादमिक वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर उपराज्यपाल ने विद्यार्थियों में मेडल और प्रमाण पत्रों का वितरण किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि यह डॉक्टर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ पूरे देश भर में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हुए गुणवत्तात्मक सेवाएं प्रदान करेंगे। मुझे अत्यंत हर्ष है कि आज एनिम्स के 3 बैचेस के 208 स्थानीय, 2 विदेशी और 19 अन्य भारतीय प्रयोगों के स्नातक डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। यह अवसर यहाँ उपस्थित सभी युवाओं के लिए नवजीवन का शुभारंभ है। इस उपाधि को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आपने कठिन परिश्रम किया है। अब आप चिकित्सा के जटिल और अत्यधिक अपेक्षा वाले क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं, जिसमें समर्पण, करुणा और नवीनतम ज्ञान की आवश्यकता है। आपके लिए लोक और समाज कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से स्वयं को समर्पित करने का समय आ गया है। आपको समझना है कि आपके कार्यों और निर्णयों का दूसरों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपसे यह अपेक्षित है कि आप रोगियों की देखभाल प्रेम और सहानुभूति के साथ करेंगे और अपने दायित्वों का कुशलतापूर्ण निर्वहन करेंगे। मैं आज यहाँ उपस्थित अभिभावकों, परिवारजनों और शिक्षकों को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनका इन उभरते स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पोषण में अमूल्य योगदान रहा है और इनके माध्यम से आप भी राष्ट्र सेवा के भागीदार बनने जा रहे हैं। आपने इन युवाओं को जीवन और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में समान रूप से शिक्षा प्रदान कर कुशल और करुणामयी स्वास्थ्य सेवक बनने के लिए प्रेरित किया है। आपको ज्ञात होगा कि एनएस के सुचारू संचालन के लिए मेडिकल लैब्स अति महत्वपूर्ण और अपरिहार्य थी। इस विषय पर मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज यहाँ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी की लैब सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त द्वीप प्रशासन एनएस में पीजी कोर्सेज को शीघ्र ही आरंभ करने हेतु प्रयासरत है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही 5 कोर सब्जेक्ट्स के पीजी कोर्सेज का शुभारंभ हो जाएगा। आज आप सभी की सफलता की प्रसन्नता साझा करने के साथ साथ मुझे गर्व का भी अनुभव हो रहा है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से पहली बार इतने डॉक्टर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो केवल द्वीपवासियों की ही नहीं बल्कि समस्त देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। मैं पुनः आपको अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुभारंभ हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी कुशलता, नैतिकता और कर्तव्य परायणता से हमारे द्वीप समूह और देश की उन्नति, प्रगति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर स्वस्थ और विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों में प्रमाण पत्रों का वितरण किया। Thank you.
congratulate you all for this wonderful, wonderful function. I suppose this is the first time this is happening in the history of DNS. And so the credit goes to all of you who have participated, meticulously planned and executed it. This is a momentous occasion in all our lives, especially when we pass out and we wear this robe probably in the universe and during PG probably we will wear it. So it's an amazing feeling, and just now we'll see that when the caps are thrown upwards and there's a tremendous joy of celebration. And, it's a wonderful moment in everybody's life. And thanks to the director and all the same thing is being repeated. In fact, somebody has written my speech, which is very nice, but I dare not speak it. Few things which I consider is very, very important is that MBBS is a threshold that you have crossed, and after crossing that threshold, you have many options before you, and choose that option very carefully. I know very little about medical science, but I think this is the most noble profession, and there's obviously no other service can match it. You are life giver, and you've been repeatedly told that you're life giver. So you are actually a reflection of God. समारोह में एकेडमिक डीन ने उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया. Parents and my dear students, it is my privilege to propose the vote of thanks on behalf of NMs on this momentous occasion. Something we had been eagerly and anxiously waiting for a couple of years. Not just we alone, but the students, the jubilant students, in order to receive their well-earned degree.